जापान से गाड़ी चली भी आती थी वो ऑब्वियसली 3 साल पुरानी आती थी, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट जो पॉलिसी है वो 3 साल पुरानी गाड़ी इम्पोर्ट करने की। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आपको उन्हीं सब फीचर्स के साथ एक पैक्ड गाड़ी कम्प्लीटली और ब्रांड न्यू पाकिस्तान में बन के मिलेगी, ठीक है, तो लोग ऑब्वियसली उसके ऊपर जाएंगे। हमारी जो ऑटोमोटिव पॉलिसी थी जिसको ADP के नाम से भी कहा जाता है, ये 2016 के अंदर अनाउंस करी गई थी। उसके अंदर ये था कि हमने नई एंट्रेंट्स को मौका दिया था कि वो आए और हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, यहाँ गाड़ियाँ बनाएं लोकली लोगों के लिए। 660 cc की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब से सुजुकी ऑल्टो आई है उसने एक अच्छा नंबर ऑफ शेयर उठाया है अगेंस्ट मीरा एंड जापानीज ऑल्टो और जितने भी दूसरे ब्रांड आते थे उसके अगेंस्ट के अंदर। पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था कि जो नए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप यहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं तो ड्यूटी फ्री अपनी मशीनरी और जो भी इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट करें, इस पर कोई आपसे ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ पार्ट्स भी चाहिए होंगे, जैसे इंजन पाकिस्तान में नहीं बन रहा वो इम्पोर्ट हो रहा है, उसके लिए भी ड्यूटी में लीनियंसी थी और वो 5 साल के लिए थी जब आप गाड़ी इंट्रोड्यूस कराएंगे उससे लेके। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर था और इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि अब वो पॉलिसी एंड होने वाली है तो बाय द एंड ऑफ 21 जून तक आप देखेंगे कि और बहुत ज़्यादा नए एंट्रेंट्स आ जाएंगे। ये हो सकता है कि उसके बाद भी यही पॉलिसी कंटिन्यू करी जाए, लीनियंसी दी जाए, और ये भी हो सकता है कि इसको रिवाइज करके जो एग्जिस्टिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आ गए होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ग्रो करने की।